तो राधे राधे सभी को, बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मेरे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हो गए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो मैंने आज अपने कान्हा जी के लिए बनाया है गाजर बोल रही हूँ रवे का हलवा। तो रवे का हलवा बनाना बहुत आसान है, तो आप जैसा देख रहे हो ना, बस रवे को भून लो घी में, और मैंने ना एक पैन में पहले दूध और उसमें कुछ मखाने और काजू डाल के और चीनी डाल के पहले ही बॉयल कर लिया था। तो जैसे ही रवा क्या है हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा होने लगे ना, वैसे ही आपको उस पके हुए दूध में जो उबाला हुआ था ना, उसको बस रवे में डाल देना है और चलाते रहना है, क्योंकि जो रवा होता है ना उसका जो नेचर होता है अब्सॉर्ब करता है पानी। तो दूध जब तक है ना बिल्कुल सूख ना जाए उसमें, तब तक आप चलाते रहिए। देखिए इस फॉर्म में जब आ जाए, और बस इसके बाद ना उसमें 2 से 3 स्पून घी डाल दीजिए, और बाद में ना पिसी हुई इलायची थोड़ी सी कूट के उसमें क्रश करके डाल दीजिए, और बस एक प्लेट में ना उसको ऐसे जमा दीजिए। थोड़ी देर 1-2 घंटे तक इसको रखिए, अदरवाइज इसको फ्रिज में रख दीजिए या फ्रीजर में रख दीजिए ना, तो अच्छे से ये जम जाएगा। फिर बस इसको क्या फॉर्म, जिस फॉर्म में आपको पसंद हो, काजू कतली के फॉर्म में या स्क्वायर शेप में, जैसे भी आपको पसंद हो, बस उसको कट कर लीजिए। और हाँ, जैसे मेवे है ना, तो मेवे में गरी है, तो गरी को कद्दूकस करके उसको मैंने यूज़ कर लिया है, और थोड़े से चॉप किए हुए बादाम थे वो मैंने यूज़ करे हैं, और लास्ट में ना मैंने काजू हल्के से थोड़े थोड़े से काजू डाल लिए थे ऊपर से। और अगर आपके पास कलर हो तो आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और कलर में क्या है, थोड़ा सा कलर आ जाता है ना फूड कलर, तो अच्छा लगता है देखने में। मैंने कलर, मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो गया था तो मैंने यूज़ नहीं किया। और हाथों वाले कलर पर मत जाइए, ये मेहंदी का कलर है, हिना मेहंदी का। और बस लड्डू गोपाल जी को अपने कान्हा जी को भोग लगाइए। तो जय श्री राधे राधे।